तरह की परिस्थिति सामने होती है, कोई भी परिस्थिति आए विपरीत अनुकूल नहीं रहती, सब जो है वो ठीक है। मिल गया है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिला है तो अच्छा, कोई वस्तु दे दी भगवान ने बहुत अच्छा, छीन ली तो फिर मन में उतार और चढ़ाव नहीं होता, मन में हर्ष नहीं होता, मन में दुख समभाव से रहता है। बड़े बड़े धर्मों के अनुष्ठान करें लेकिन अनुष्ठान करने में भी भगवान में रुचि नहीं हुई तो सबका सब व्यर्थ, क्योंकि मुख्य रूप से तो ये मन किसी न किसी रूप से भगवान से, किसी न किसी रूप से धर्म से जुड़ना चाहिए। जब तक नहीं जुड़ता तब तक हमने पूरी बिल्डिंग के अंदर फैक्ट्री में जा अपने घर में लाइट लगवा दी, तारें जोड़ दी, मीटर लग गया पीछे से कनेक्शन, लेकिन आगे तारें ठीक नहीं जुड़ी तो लगी रहे तारें, लगा रहे मीटर, आता रहे कनेक्शन, लेकिन बल्ब में रोशनी, पंखे में हवा तभी आएगी जो वो तारें ठीक ठीक कनेक्शन ठीक ठीक जुड़ेगा। तो सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान वो होता है जिसके माध्यम से ये मन उस परमात्मा से जुड़ जाए। उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए भक्ति के महत्व का वर्णन करते हैं। अवतार और धर्म स्थिति का वर्णन करते हैं सूत जी उन ऋषियों के आगे। अवतार संबंधी प्रश्न उन्होंने जो किया था उसकी भी उन्होंने बताया कि विराट रूप से कैसे उन्होंने 24 रूप धारण किए, अनंत रूप हैं लेकिन मुख्य 24 अवतार, अभी आगे चल के विस्तार से आप इसको सुनेंगे। लेकिन इन सब के पीछे केवल एक ही उन्होंने बताया है कि किसी भी तरह इस जीव के मन से अभिमान हटे और अभिमान रहित होकर के ये उस परमात्मा किसी ना किसी रूप में प्रयास मनुष्य का ये होना चाहिए। सूत जी ये बात कहते हुए कहते हैं, शौनक जी आप लोग धन्य हैं जो भगवान में इस प्रकार निष्ठा रख के बैठे हैं, मैं जानता हूं आप भगवान के परम प्रेमी हैं, इसलिए आज मैं आप लोगों को एक अद्भुत बड़ा ही अनुपम पुराण सुनाऊंगा जिसको सुन करके आप धन्य हो जाएंगे। और ये पुराण है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत को पंचम वेद भी कहा गया। क्या गया है? पंचम वेद, क्योंकि इसमें भगवान के दिव्य मधुर मधुर चरित्र वर्णन है। लोक कल्याण के लिए ही इसका प्रादुर्भाव हुआ था। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को इसका उपदेश दिया और सुखदेव जी ने गंगा के तट पर बैठे हुए राजा परीक्षित को इसे सुनाया। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, ऋषिवरो उसी समय मैंने उनके मुखारविंद से वहां से सुना, जैसा मैं समझ सका मैं आप लोगों के सामने कहूंगा। रही बात भगवान कृष्ण जब धाम को छोड़ के गए तो धर्म कहाँ रहा, तो कहते इस समय ये धर्म जो है इसी श्रीमद् भागवत की शरण में है। किसकी शरण में? भगवान कृष्ण के जाने के बाद साक्षात स्वरूप बताया था आपको कि श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात स्वरूप है भगवान का, लेकिन हम इसको एक पोथी, एक कागज, एक पुस्तक मान करके जहां तहां फेंकते हैं, घरों में रखते हैं, जिस टेबल पे खाते हैं वहीं पर रख देते हैं, मिट्टी धूल हो रही है, अपने कपड़ों तो तय लगा करके हम अलमारियों में संभालते हैं और श्रीमद् भागवत को जहां खाते हैं वहीं झूठे बर्तन पास में पड़े हैं। भगवान की कृपा कहां से होगी? अरे भाई अपनी खिड़कियों को खोलो, सूर्य आया किरणें देने द्वार पर, खिड़कियां रोशनदान खोलो, वो अंदर रोक नहीं सकते। हमने अपनी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए, रोशनी आए कहां से, कृपा की रोशनी बरसे कहां से, कृपा कैसे बरसेगी? इसीलिए तो गुरु महान, ईश्वर से भी बड़े गुरु, क्योंकि वो गुरु बताते हैं कि खोलो खिड़कियां और किवाड़। श्रीमद् भागवत साक्षात
जब तक हमारी निष्ठा उस रूप में नहीं बनेगी तब तक हमें उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर एक कागज है तो कागज ही सही, फिर वो कागज बनके आपके पास पड़ा है, आप पढ़ लो, उसको याद कर लो, यही हो सकता है। लेकिन आपके मन में, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। उसको पढ़ के आप अभिमानी हो सकते हैं कि मेरे को ये भी आता है, मेरे को ये भी आता है, मेरे को ये भी याद है, लेकिन फल लगने वाला, भक्ति का फल, ज्ञान का फल, वैराग्य का फल तब लगेगा जब श्रद्धा से उस ग्रंथ को, मानो साक्षात भगवान है, कैसे रखना है इनको, रामायण साक्षात राम का रूप है, कैसे रखना है हमने। हमारे तो हुई पुस्तक बहुत हो गई, चलो जा तो कहीं दान कराओ, वो यो मर्जी करे, हमने तो जान छुड़ाई, जा लिफाफे बन जाते हैं बाजार में कागज, देखो कई बार आते हैं ऐसे रामायण के, वो क्या कितनी निष्ठा है हमारी भगवान के प्रति हमें पता चलता है, फिर उनकी कृपा कैसे हो, उनकी कृपा के पात्र तो बनना पड़ेगा ना भाई, तभी कृपा होगी। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अपने को, अपने रूप को इसमें समाहित कर दिया, साक्षात स्वरूप है और इसी की शरण में धर्म भी है। अब धर्म तो जीवन में तब आए ना जब हम धर्म की इज्जत करें, श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में भी तो तभी जाएंगे, इज्जत ही नहीं करेंगे क्या, जिस आदमी के प्रति हमारी निष्ठा नहीं होगी उसकी बात को क्या सुनेंगे, सुनेंगे? दो कारणों से व्यक्ति वंचित रहता है ज्ञान से, बहुत ज्यादा पुस्तकें पढ़ ले तो भी ज्ञान से शुष्क ज्ञान प्राप्त होता है, उसको याद कर लेता है, बड़े बड़े व्याख्यान कर लेता है, लेकिन उसके मन के अंदर भक्ति का फल या ज्ञान का फल, अभिमान का फल आ जाता है, और अभिमान का फल फिर क्या करता है आपको पता है, गुरु के बहुत ज्यादा निकट हो जाए तो गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपने गुरु से और संत से ज्ञान प्राप्त करना है तो दूर रहे, अगर ज्यादा निकट आ गए तो ज्ञान नहीं पा सकते, क्योंकि हर बात आप व्यंग्य में ले जाएंगे, हर बात आप उनकी मानेंगे कि ये तो ऐसे ही बोलते हैं, बात खत्म हो जाएगी। ज्ञान पाने के लिए ग्रंथ के अंदर भगवान को देखें और गुरु से थोड़ी दूरी बनाए तो ज्ञान प्राप्त होगा, संत से दूरी बनेगी तो ज्ञान नहीं तो नहीं होगा। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, द्वंद्वमय जगत है, जिसमें गुण है उसमें दोष भी होगा, जिसमें दोष है उसमें गुण भी होगा, लेकिन हमारी जो है काक बुद्धि है, हम अज्ञानी हैं, काक बुद्धि होने के कारण हम अपने गुरु में दोष ज्यादा और गुण कम देखते हैं, इस कारण से ज्ञान से वंचित है, और हम पुस्तक को याद करने का प्रयास अधिक करते हैं, इसलिए पुस्तक के ज्ञान से भी आत्मिक ज्ञान नहीं मिलेगा, शुष्क ज्ञान मिलेगा, जो याद करके बड़ी बड़ी व्याख्या करनी सीख जाएंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का रूप है, इसमें जो शब्द हैं वो सामान्य नहीं, इनमें से एक भी शब्द हमने हृदयंगम कर लिया, मन से तादात्म्य संबंध जोड़ दिया, तो हमारा जीवन परिवर्तन होना, हमारी शुष्क वाणी मधुर हो जाएगी, हमारा शुष्क सोचना मधुर हो जाएगा, सब धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा। ये 6 प्रश्नों के उत्तर दिए किसने, सूत जी ने, जिसमें भक्ति की महिमा, ग्रंथ का महत्व, ज्ञान को प्राप्त करने का साधन बताया। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कोई अब इस प्रकार उपदेश देते हैं तो शौनक जी सूत जी से पूछते हैं, भगवान आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, आपने बताया कि शुकदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाया, हम बस इसी संवाद को सुनना चाहते हैं कि महाराज शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा कब की, किस कारण से ये कथा प्रारंभ हुई, किस जगह पर हुई, हम ये जानना चाहते हैं। हमने तो सुना है व्यास जी के पुत्र जो शुकदेव जी थे समदर्शी थे, योगी थे,
कहीं उनकी आसक्ति नहीं थी, भेद दृष्टि नहीं थी। हमने तो सुना है कि 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। जब बार बार माता को थोड़ा पीड़ा होती तो व्यास जी ने उनसे कहा कि आप बाहर आओ, तो आपने बाहर आने को सुखदेव जी ने मना कर दिया कि मैं बाहर आऊंगा तो ये माया मेरे को पकड़ लेगी। तो व्यास जी ने कहा कि कैसे बाहर आ सकते हो? कहते मेरे को भगवान से आप ये वरदान दिलवा दो कि बाहर आने पर ये जगत की माया मुझे नहीं पकड़ेगी। तो कहते फिर व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने कहा कि मेरी माया तुम्हें 12 वर्ष के बाद माता के गर्भ से आए और सीधे जंगलों में चल पड़े। रुके नहीं, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। और व्यास जी पुत्र मोह में पुत्र पुत्र करते पीछे थोड़ी दूर पे गए तो कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी। अब सुखदेव जी जो बिल्कुल नग्न अवस्था में गर्भ से बाहर निकल के जा रहे हैं, उनको देख के अप्सराओं को कोई भी संकोच नहीं हुआ। जब व्यास जी पीछे आए तो फटाक फटाक अपने कपड़े पहनने लगी। व्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हारे पिता के समान हूं, मेरे को देख के तुम्हें संकोच हुआ, मेरा पुत्र नग्न अवस्था में यहां से चला गया, आपको कारण? तो अप्सराओं ने कहा, व्यास जी महाराज आपके मन में स्त्री और पुरुष का भेद है, लेकिन आपके पुत्र की तो ब्रह्म दृष्टि है। आपके पुत्र में ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ देखता ही नहीं, स्त्री पुरुष का उसको पता ही नहीं, इसलिए उसको देख के हमें भी संकोच। कहने का भाव कि ऐसे समदर्शी, ऐसे जो योगी थे, उन्होंने व्यास जी से भागवत कैसे पढ़ी? एक प्रश्न मन में, एक संदेह है, कृपा करके हम आपे बताएं। सुखदेव जैसा वक्ता, राजा परीक्षित जैसा श्रोता होना बहुत कठिन है, क्योंकि सुखदेव जी एक जगह पे उतनी देर रुकते थे केवल भिक्षा के लिए, जितनी देर गाय को धोने में लगती, तो उन्होंने 7 दिन तक एक जगह पे बैठ के कथा सुनाई, बहुत बड़ी बात है। तो आप हमें कृपा करके हमारे इस संदेह का निवारण करें, ये कैसे हुआ? सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, शौनक जी द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे आचमन करके, जैसी आंखें बंद करके बैठे तो उन्होंने देखा कि कलयुग आ रहा है। अब जब कलयुग आएगा तो मनुष्य की आयु बहुत कम हो जाएगी, लोग दुर्बुद्धि हो जाएंगे, दुर्बुद्धि मैंने गलत भावना वाले, गलत सोच वाले, और श्रद्धा से रहित और नास्तिक उनकी प्रवृत्ति हो जाएगी, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभक्त किया। अब 4 भागों में विभक्त करके अपने 4 शिष्यों को पढ़ा दिया। सूत जी बताते हैं कि इन्हीं व्यास जी की कृपा से मेरे पिता रोमहर्षण इतिहास पुराण के ज्ञाता हुए थे। लेकिन स्त्री और शूद्र आदि के कल्याण के लिए कैसे हो, वो तो जल्दी समझ नहीं पाएंगे इन मंत्रों को, तो कहते उनके लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। और इस महाभारत में उन्होंने साक्षात धर्म को, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 रूपों को खड़ा करके दिखा दिया। फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, मन में सोचने लगे, मैंने बड़े दृढ़ संकल्प से वेदों की, गुरु की, अग्नि की सेवा की, फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं, कहीं तो मेरे में कमी है, सोच रहे थे। इतने में ही जो है नारद जी वहां पर पहुंचे, नारद जी का उन्होंने पूजन किया, आसन देके बिठाया। अब नारद जी भी बैठे पर पूछते हैं व्यास जी से कि क्या बात है, आपके चेहरे पे बड़ी उदासी है। तो बताया उन्होंने कि मैंने ऐसे ऐसे महाभारत की रचना की, वेदों को 4 भागों में बांटा, फिर भी संतोष नहीं। आप तो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों को जानने वाले, तो आप ही बताएं मेरे मन में संतुष्टि क्यों नहीं है। तो नारद जी उस समय व्यास जी से कहते हैं, मुनिवर महाभारत में आपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष को
साक्षात रूप से खड़ा किया। वेदों को चार भागों में बांट के चार शिष्यों को प्रशिष्यों को पढ़ाया। लेकिन फिर भी आपके जीवन में संतोष नहीं, उसका एक कारण है क्योंकि आपने कहीं पर भी भगवान के उस जगत को पवित्र करने वाले नाम का वर्णन नहीं किया। भगवान के नाम का वर्णन नहीं किया, जिसको अपवित्र जीवा भी उचार लेती है तो वो पवित्र हो जाती है। इसी कारण से आपको कहीं शांति नहीं मिली। अपने पूर्व जन्म की गाथा सुनाते हैं। कौन? नारद जी। वो बताते हैं कि हे महाभाग, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था और मेरी माता दासी थी, वहां सेवा में लगी रहती थी। एक बार कुछ महात्मा वहां पर आए और चातुर्मास्य करने का विचार किया। अब दासी होने के कारण मेरी माता को सेवा में लगा दिया। मैं दासी पुत्र था, मेरे को भी उनकी सेवा में लगा दिया गया। मेरी आयु उस समय 5 वर्ष की थी, लेकिन मेरी बुद्धि अलग थी। ज्यादा खेल कूद मुझे अच्छा नहीं लगता था, बोलना भी बहुत कम था। अब उन महात्माओं की सेवा करता, उनके दिए हुए प्रसाद को ग्रहण करता। प्रातः काल के समय वो जो है वेदांत की चर्चा करते, सायंकाल के समय भगवान की दिव्य लीलाओं की कथा करते, मैं भी सुनता। अब सुनते सुनते मेरे मन में विचार आया कि जैसे भगवान कृष्ण उन ग्वालों के साथ खेलते थे, क्या मेरे साथ भी कभी खेलेंगे? ऐसा विचार मन में आने लगा और धीरे धीरे मेरा मन हुआ कि संसार में कुछ भी नहीं रखा, मुझे इन संतों की सेवा में रह के अपने जीवन को बनाना चाहिए। लेकिन मैं माता का इकलौता पुत्र था, माता नहीं चाहती थी। लेकिन मैंने उन संतों को निवेदन किया कि मैं अब भगवान के भजन में लगना चाहता हूं, तो उन्होंने मुझे 12 अक्षर मंत्र का जप दिया करने के लिए मंत्र दे दिया और कहा, जब तक आपकी माता है आप घर में रह करके इसका जप करो। चातुर्मास्य पूर्ण हुआ, संत चले गए। चाहता हुआ भी उनके साथ नहीं जा सका और घर में रह करके मैं 12 अक्षर मंत्र का जप करने लगा और भगवान से प्रार्थना करता कि एक ही छोटा सा बंधन है माता, अगर उससे भी छूट जाऊं तो मैं आपका भजन आराम से कर सकता हूं। एक दिन प्रातःकाल के समय मेरी माता गाय का दूध दोहने के लिए जा रही थी। अकस्मात रास्ते में कोई सर्प आया, उसके ऊपर मेरी माता का पैर पड़ा, उस सर्प में मेरी माता को डसा और मेरी माता की मृत्यु हो गई। मुझे पता चला, मैंने संस्कार इत्यादि कर्म किया और इसमें भगवान की कृपा का अनुभव किया। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। भक्त की सोच में, हमारी सोच में यही अंतर है। अब नारद जी कहते हैं कि मैंने सोचा, एक मेरा बंधन था, भगवान ने मुझे आज उस बंधन से भी मुक्त कर दिया। और मुझे कोई बंधन था नहीं, मैं जंगल की ओर चल पड़ा। अब जंगल की ओर चला और बस अपने गुरु के दिए हुए 12 अक्षर मंत्र का जप करता और घूमता रहता। एक दिन जप करते समय मुझे भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन बस इतनी देर जितनी देर बिजली चमकती है। लेकिन मैंने जिस रूप को देखा वो रूप मेरे मन में बस गया और बार बार मेरा मन परेशान होने लगा उस रूप को देखने के लिए। जब बहुत ज्यादा तड़पना मन में हुई तो आकाशवाणी हुई, हे वत्स, मैंने जिस रूप को आपको दिखाया है क्षण भर के लिए,
अभी इस रूप को देखने की पात्रता तुम में नहीं है। मैंने दिखाया इसलिए है कि तुम्हें ये विश्वास हो जाए कि मैं हूं। अभी तो तुम मेरा ध्यान करते हुए विचरण करो, प्रलय के समय ब्रह्मा की जी के साथ मुझ में लीन हो जाओगे और फिर जो है सृष्टि होगी तो ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न होकर के तुम मेरे पार्षद बनोगे, मेरे निकट आओगे। कहते मैंने आकाशवाणी को सत्य माना और बस इसी प्रकार भजन करता हुआ भ्रमण करता रहा। धीरे धीरे प्रलय में ब्रह्मा जी के साथ लीन हुआ। जब दोबारा पुनः सृष्टि हुई तो मैं ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुआ और भगवान का साक्षात्कार किया। उन्हीं के द्वारा दी हुई इस वीणा पर मैं उनका गुणगान गाता हूँ और आनंदित होकर के पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। और ये भी भगवान की कृपा है कि प्रलय के बाद भी मुझे अपना पूर्व जन्म विस्मृत नहीं हुआ। निश्चित जीवन में रोग लगते हैं। अब अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग दवाई खानी पड़ती। पांच रोग हैं तो पांच गोली खानी पड़ती है ना? एक गोली से काम नहीं चलता। लेकिन कहते सारे के सारे रोग, शारीरिक, मानसिक, भाव रूपी रोग सब मिट जाते हैं एक ही औषधि मात्र से। एतत् संसूचितं ब्रह्म तापः त्रयः चिकित्सितम्। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। यदि ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्माणि भावितम्। जो कुछ कर रहे हो कहते वो भगवान को अर्पण कर दो, बस सारे के सारे रोग समाप्त। समर्पण की भावना आते ही सब रोग समाप्त हो जाते हैं। उसके लिए कोई गोली नहीं खानी, उसके लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं। उसके लिए तो सीधा सीधा भगवान में प्रवेश, सीधा सीधा कल्याण।